अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब वो दरअसल मुझे आपसे एक काम है। खड़े जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? मैं तुम्हें काम करने वाला रखता हूं, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर सब समझता हूं। ये लीजिए मेरा कार्ड। ये भी अजीब बात है, अब बीमारियों के कार्ड छपने लगे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं चैनल वालों की तरफ से आया हूँ। वो दरअसल मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। डॉक्टर मोटानी को तुमने पागल समझा हुआ है कि तुम्हें नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट दे दूं, ताकि तुम टीवी पे प्रोग्राम करो कि एक पागल को नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर साहब जॉब रिक्वायरमेंट है, उनको बस ये सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं 100% बिल्कुल नॉर्मल। चैनल्स पर अगर सब नॉर्मल लोग आ गए तो रेटिंग कहां से आएगी? सेक्रेटरी की हर बड़ी बीमारी का मरीज कहता है मैं नॉर्मल हूं, मैं नॉर्मल हूं। अगर मैं तुम्हें नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट दे दूं तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो है ना उसको ताले पड़ जाए 100%, तो मैं भी नॉर्मल नहीं हूं, समझे? अरे डॉक्टर साहब आप यकीन कीजिए, मेरा नाम शाहरुख है, बस आप मुझे एक सर्टिफिकेट बना दें। तो तुम भी यकीन करो मैं साइकेट्रिस्ट नहीं, एक्टर शाहरुख खान हूं। आप कैसे शाहरुख खान हो सकते हैं? तो तुम एक नॉर्मल इंसान कैसे हो सकते हो? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं नॉर्मल हूं? यह भी एक नफ्सियाती बीमारी है जिसे मरीज अपने आप से ज्यादा दूसरे को यकीन दिलाना चाहता है कि वो नॉर्मल है। आपको दाखिल होना पड़ेगा। हाँ, मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर साहब, दैट्स इट। इस कागज पर क्या लिखा हुआ नजर आता है डॉक्टर मोटानी? यही तो हर नॉर्मल शख्स तस्वीर के दोनों रुख देखता है, और तुमने तो एक ही रुख देखा है, समझे? तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। हाँ। ये क्या पागलपन है? इसी का तो इलाज करना है। आप इस फॉर्म को फिल करके दे दो, मैं आपका इलाज करूंगा। आपको 10 सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, फीस एडवांस में। देखो इस दवा जो मैं बात करने लगा हूं और से सुनना। हमें पता है कि आप क्या कहेंगे। देखो लड़कियों, बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, और खबरदार जो किसी ने ऊट पटांग हरकत की तो। और सुनो, इस बार अगर किसी ने कोई उल्टी हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लड़कियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं, उनका असली घर उनका ससुराल होता है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, मगर तुम लोगों को कैसे पता लगा? क्योंकि पापा हर रिश्ता आने से पहले आप यही लाइंस देते हैं, कुछ स्क्रिप्ट चेंज करें, कब तक ये पीटीवी की तरह पुरानी बातों पे गुजारा करते रहेंगे? बस बात हो गई, मैं तुम लोगों का बाप हूं, थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इजी लेना शुरू हो जाओ। देखो लड़का आ रहा है, और इस दफा अगर किसी ने उसकी बैंड बजाई तो पता है मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे? मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो आप हमें ढूंढेंगे, फिर हमें डांटेंगे, उसके बाद हमारे लिए रिश्ता ढूंढने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। लो यार पापा, प्लीज गो आउट। ओके पापा। ये है बाप की इज्जत, बाप का मकाम, और ये है 4G जनरेशन। अच्छे वक्त में तो दोस्त को छोड़ना बनता है, बुरे वक्त में कौन छोड़ता है? भाई बुरा वक्त तो मेरा चल रहा है, ड्राइविंग सीट पर सोए तो सर्जन ने चालान कर दिया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर सो नहीं सकते, पीछे सोए तो चोरी हो गया। तू चोरी हो गया? कैसे? अबे यार चोर जल्दी में था, गाड़ी चुराने आया था, मुझे भी साथ ले गया। मेरी कहानी ज्यादा दुखी है, हवलदार साहब ने घर से निकाल दिया, मामा पापा को बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, वो नाराज हो गए, अनुषे अलग नाराज, वजह ना मालूम, और अब्बास साहब ने कहा है कि मेंटली फिट होने का सर्टिफिकेट लेके आओ वरना नौकरी से छुट्टी। नौकरी, छोकरी, माँ बाप सब गए। चल दफा हो जा, तुझे दुखी करने के लिए मैं ही मिला हूं ना, मुझे तेरी बात का इतना सा भी एतबार नहीं है। मैं कब चाह रहा हूं एतबार कर,
बस बुर्का पहन और घर चल मेरे साथ, वरना रकम गई। तू इंतहाई एहसान फरामोश है, तेरी बीवी बन के रहा हूँ, बुर्का पहन के पता नहीं कहाँ का टकरे मार दी, दिमाग घूम गया मेरा। दिमाग तो तेरा पहले से घुमा हुआ था, अब नकली बीवी बन के असली मेहनत ना करा, चला जा। शर्म तो आनी रही तुझे, काम चोर कहता तो दुख ना होता, लेकिन डिजाइन चोर का है यार। अच्छा छोड़ ना यार, चला यहाँ से। अबे बात तो सुन ले मेरी यार, बात तो सुन ले। अबे पड़ता है कोई बड़ा बुरा डिजाइन है तो बर्दाश्त कर ले। अच्छा अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वो एक छोटी सी गुजारिश करनी थी आपसे। वो मेरी बीवी भाग गई है और वो किराएदार जो है मुझे घर से निकाल देगा अगर आज रात वो ना आई तो। बस इतना था कि अगर ये बुर्का पहन के आप चंद लम्हों के लिए मेरे साथ चलें वहाँ पे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जवान बच्ची के सामने तुम ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो? नहीं मेरा, बुलाओ अभी महल्ले वालों को, बुलाओ बुलाओ, रोड पे से बुलाओ, चलते वो को। नहीं नहीं ये मतलब नहीं, आप फिर क्या मसला है तुम्हारा? नहीं मसला क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं अच्छा मसला बताओ। यार कोई राजी नहीं हो रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे हाँ, वो जो आज ऑडिशन के लिए आई थी उसको फोन कर देता। आज आप ऑडिशंस के लिए आई थी, वो रियलिटी शोज का ऑडिशन? जी 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 सर। हाँ सर, तो क्या इस वक्त ऑडिशन है? हाँ हाँ इसी वक्त अभी। बीवी की तलाश? सर रोल अच्छा होता मैं बिल्कुल कर लूंगी। हाँ हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अग्री करती हैं तो बस आ जाएं। मैं एक घंटे में आती हूँ आपके पास। ओके। जमाल आप कहीं जा रहे हैं? रिश्ता देखने हैं? मेरा मतलब है कि पार्टी वालों को घर दिखाना है क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता देखने वालों ने आना है। मुझे भी अपने साथ ले चले। डील वाली जगह पर तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ, अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरा शूट है ना, तो मुझे रास्ते में उतार दीजिएगा। अच्छा चलो चलो चलो, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। हाँ भाई जल्दी आना। ये पकड़ अपना बुर्का, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा है यार? बकवास से क्या ग्लूकोज क्या हो गया यार, रुक तो देख तेरी गाड़ी स्टार्ट होगी, मुझे पता है। अभी देख अभी हो जाएगी, हो गई स्टार्ट। यार इतना भरम, कमाल हो गया वैसे। शाहरुख जितना भी कमीना है तो मेरा दोस्त। सच्चा दोस्त तो वो होता है जो मुश्किल के वक्त काम आए, और इसने मुझे दोस्त बनाए भी इसीलिए। इतनी देर से आई हो? सॉरी सर, मेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। कहा तो था रियलिटी शो है, मेकअप की क्या जरूरत है? सर आपने कभी रियलिटी में भी किसी औरत को बगैर मेकअप के देखा है? उनके घर में अगर आग भी लग जाए ना, मेकअप करती है उसके बाद सबको इतला देती है कि उनके घर में आग लग गई है। अच्छा बहरहाल मेरी बात गौर से सुनो, मेरे मालिक मकान के पास जाना है और वहां जाकर के उनको ये कहना है कि तुम्हारी अम्मी बीमार है और जब वो ठीक हो जाएगी फिर तुम वापस आ जाओगी, और हाँ उनके सामने ये भी कहना है कि आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। ओके सर। सर मेरी वालिद और वालिदा का कैरेक्टर कौन कर रहा है? ओहो सब बताता हूँ, पहले ये लो, ये सब कुछ तुम्हें इस बुर्के को पहन के करना है। बुर्का? सर सर आपको नहीं लगता कि मैं इसमें तो सारी परफॉर्मेंस छप जाएगी और इतना अच्छा तैयार हुई हूँ? ओ बीबी ये रियलिटी शो है, इसकी लिंकिंग अलग से स्टूडियो में होगी, मेकअप भी कर लेना, अच्छे से कपड़े भी पहन लेना, अब चलो। ओके। और हाँ सुनो, वो सब रियल कैरेक्टर्स हैं, उनको पता ना चले कि तुम एक्ट्रेस हो। तो आप लड़का हैं? जी मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। वो रिश्ते वाली खातून बता रही थी कि आप प्रॉपर्टी डीलर। हाँ जी, पेशा बड़ा। वैसे ये आपका घर कितने का है? ये घर हमें बेचना नहीं है। पूछना तो मेरा फर्ज था, वैसे मेरी अपनी जाती हाउसिंग सोसाइटी है। आपकी कितनी फैमिलीज हैं जो आपकी अपनी जाती हाउसिंग सोसाइटी है? IQ बिल्कुल नहीं है आपका,
आप ले ना और ले भाई। लड़कियों अगर तुमने लड़के से कुछ सवाल पूछते हैं तो पूछ लो। जमाल साहब, मुझे पूछना था कि आपका नाम क्या है? जमाल। आप मुझे ये बताएं, आपको शादी करने का ख्याल इतनी देर से क्यों आया? तो बस जी, वो मैंने सुना है कि आपका अपना जाती घर भी है। तो और कौन कौन रहता है उसमें? हाँ जी, मैं और मेरी बीवी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं अभी अकेला रहता हूँ, शादी के बाद तो अपनी बीवी के साथ रहूंगा। सही। अच्छा मुझे बताएं कि आपको हम लड़कियों में से कौन पसंद है? मुझे आप पसंद है। ये हमारी सबसे छोटी बेटी है और इसकी शादी सबसे आखिर में होगी। तुम्हें सब पसंद आ गई, मैं पसंद नहीं आई? आप भी पसंद है, आप कर ले। लगता है बहुत कंफ्यूज है, किससे शादी करूं, है ना? एक काम करें ना, टॉस कर ले। ये ठीक है? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, इनसे कर दें। नहीं ये ठीक है, ये भी ठीक है। मैं सोच के बताता हूं। तो हम यहाँ पे लड़की का रिश्ता लेने आए हो या सब्जियां खरीदने आए हो? ये ठीक नहीं है, ये ठीक है? मेरी लड़कियों की तौहीन कर रहे हो? इधर ही बैठना, हिलना नहीं, मैं जरा अभी आता हूं, हिलना नहीं। अच्छा अब बताएं, हम लड़कियों में से आपको कौन पसंद है? और देखे, खूबियां भी बतानी है। सबसे पहले तो मैं, लगता है हमारे नए किरायेदार अपनी बीवी के साथ आ गए। शाहरुख भाई आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। ये हैं हमारे नए किरायेदार शाहरुख और उनकी बेगम। कैसे? कैसी भाभी? और ये जमाल साहब हैं, हमारा रिश्ता देखने आए हैं। आपने बताया नहीं कि आपको हम सब में कौन अच्छा लगा? वो किधर गई? उनके बाद आपसे है। मुझमें क्या कमी है? लीव जल्दी से बता दे वरना पापा को गन मिल जाएगी। बंदूक? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा नहीं, इसे आप नहीं, मैं मारूंगी। तुम क्यों मारोगी? क्योंकि ये मेरा खावन है। बताती हूँ मैं भी, पीटते तुम्हें, शादी करने आया था, शादी करने आया था, इधर तो गंजा है, शादी करेगा लड़की से, शादी कर, दफा हो जा, पीटते तुम्हें, शादी करने आया था। एक मिनट, अगर 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 ये तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारी बीवी कहाँ है? अगर उन्हें बहुत बुरा पसंद है, मैं हूँ इसकी बीवी। चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से, पता नहीं, चलो यहाँ से, चलो। मेरी बच्ची तुम कहाँ थी? मेरी बच्ची मैं भी हूँ, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो आज? इसकी ये हरकत है जो मैं लड़की अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ, इसको कोई समझाने वाला भी नहीं। चलो तुम अभी, मैं तुम से निपट के कमरे में चलो, चलो चलते क्यों नहीं हो, चलो। बेगम मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा। तुम्हारी यही हरकत है जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप के घर लड़के चली जाती हूँ। मार भाई मार, है बड़ा शाहरुख बना फिरता है। अब समझ में आई आटे दाल का भाव? ऐसी कैसे हो जाएगी तुम्हारी? बेगम प्लीज बस कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे बस कर दूं? तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से। बेगम, तुम्हारी बच्ची का हार भी तो सॉलिड है ना एकदम। तुम्हारी वजह से मां बाप के घर चली जाती हूँ, इसीलिए लड़की चली जाती हूँ, तुम्हारी ये हरकत है। बेगम वादा करता हूँ आइंदा नहीं करूंगा। हर बार वादे, हर बार वादे, उसकी बार बार।
बड़ा हीरो बना सकता है।